थाना सेक्टर 58 पुलिस द्वारा दिनांक 29 एवं 30 की रात्रि में सेक्टर 55 नोएडा एक होटल के पास से पुलिस मुठभेड़ में अंतर्राज्यीय वाहन चोर चौन स्नैचर गिरोह के एक घायल सहित एक साथी अभियुक्त गिरफ्तार। कब्जे निशादेही से चोरी की 7 मोटरसाइकिल व चोरी लूट के 9 मोबाइल फोन, एक अवैध तमंचा में एक जिंदा व एक खोखा कारतूस, 315 बोर व 4 अवैध चाकू। 55 रेडिसन होटल के पास, वहाँ भी चेकिंग चल रही थी, तो 2 मोटरसाइकिल से 5 लोग जो रॉन्ग साइड से घोड़ा साइड से आ रहे थे उनको भी रोकने का पुलिस ने प्रयास किया तो ये भागे और उनमें से एक बदमाश ने फायर किया, पुलिस ने भी गोली चलाई जिसमें एक बदमाश के पैर में गोली लगी, ये मोटरसाइकिल से उतर के भागे। बाकी और 4 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया, तो इसमें कुल 5 लोग गिरफ्तार हुए हैं। इसमें जब इनसे काफ़ी पूछताछ की गई तो इनसे 7 मोटरसाइकिलें और 9 मोबाइल बरामद हुए हैं, 4 के पास से चाकू मिले हैं, 1 के पास से कंट्री मेड पिस्टल मिली है। कहाँ के रहने वाले थे? ये दिल्ली के ही रहने वाले हैं, सारा गैंग गाजीपुर है, घरौली है, ये सारे के सारे लोग दिल्ली के रहने वाले हैं। अपराधी के इतिहास तो दर्जनों मुकदमे हैं, जैसा कि प्रेस नोट में आप देख रहे हैं 11-12 इस तरह से मुकदमे हैं, पहले भी कई बार जेल जा चुके हैं। तरीका ये है कि पहले मोटरसाइकिल चुराते हैं, उसके बाद उसी चोरी की मोटरसाइकिल से फिर मोबाइल, जो लोग आप देखते हैं लोग रास्तों में चलते हैं तो पूरा वो रील बनाते हुए चलते हैं, वीडियो कॉलिंग करते हुए चलते हैं और ये पीछे से आते हैं झपट करके ले जाते हैं। इनके गिरोह में अभी यही 5 लोग ही हैं शामिल अभी, और इनकी जो सर्विलांस है हम लोग देख रहे हैं कि और किस किस से इनका रिश्ता था। ठीक है।